यूजीसी नेट 2024 की परीक्षा की गई कैंसिल। गड़बड़ियों की शिकायत मिलने के बाद शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षा रद्द की। यूजीसी नेट 2024 की परीक्षा में गड़बड़ी की जांच सीबीआई को सौंपी गई। परीक्षा की नई तारीखों का जल्द किया जाएगा ऐलान। यूजीसी नेट परीक्षा कैंसिल होने पर प्रियंका गांधी ने साधा निशाना। कहा, भाजपा सरकार का लीक तंत्र और लचर तंत्र युवाओं के लिए खतरा। विपक्ष सरकार पर हुआ हमलावर। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने कहा, देश में लीक तंत्र की सरकार। शिवसेना यूपीटी नेता आनंद दुबे ने एनटीए को बताया फेल। यूजीसी नेट 2024 की परीक्षा रद्द किए जाने पर जेएनएसयू आज दोपहर 2 बजे शिक्षा मंत्रालय के बाहर करेगा प्रदर्शन। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग। जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष धनंजय ने परीक्षा में गड़बड़ी के लिए एनटीए को बताया दोषी। का एनटीए परीक्षा लेने में असमर्थ है, लेकिन शिक्षा मंत्रालय इस पर ध्यान नहीं दे रहा। कांग्रेस का छात्र संगठन एनएसयूआई ने 21 जून को देश भर की यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन का किया ऐलान। 24 जून के संसद का करेगा घेरा। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए ट्वीट किया। लिखा, परीक्षा पर चर्चा तो बहुत करते हैं, नीट परीक्षा पर चर्चा कब करेंगे। नीट परीक्षा में धांधली राष्ट्रद्रोह से कम नहीं। शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा। आप नेता संदीप पाठक की मांग। नीट पेपर धांधली में सामने आया तेजस्वी यादव का लिंक। तेजस्वी के पीएस प्रीतम कुमार का रिश्तेदार पेपर लीक का आरोपी सिकंदर यदुवंशी। नीट परीक्षा पर शिक्षा मंत्रालय ने बिहार पुलिस की आपराधिक आर्थिक अपराध शाखा से विस्तृत रिपोर्ट मांगी। रिपोर्ट के आधार पर होगी आगे की कार्यवाही। नीट परीक्षा मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। 49 छात्र छात्र संगठन एसएफआई की याचिका पर होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में 20 छात्रों की एक और याचिका पर आज सुनवाई। परीक्षा की जांच सीबीआई या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में करवाने की मांग। एनडीए की तरफ से दाखिल 10 याचिकाओं पर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। हाई कोर्ट में दाखिल याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग। मोदी का आज से 2 दिवसीय श्रीनगर दौरा। लोकसभा चुनाव में जीत के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर दौरे पर जाएंगे। मोदी आज शाम 6 बजे श्रीनगर में युवा सशक्तिकरण के कार्यक्रम में होंगे शामिल। शेर कश्मीर इंटरनेशनल सेंटर में होगा कार्यक्रम का आयोजन। मोदी 21 जून को 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सुबह 6:30 बजे योग कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। योग कार्यक्रम में मौजूद लोगों को करेंगे संबोधित। मोदी 21 जून को जम्मू कश्मीर को 1,500 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। 84 विकास परियोजनाओं शिलान्यास का उद्घाटन करेंगे। एलजी मनोज सिन्हा ने योग दिवस पर पीएम मोदी के दौरे को बताया जम्मू कश्मीर का सौभाग्य। कहा, पीएम मोदी डल झील के पास 7,000 लोगों के साथ करेंगे योग। पीएम मोदी के जम्मू कश्मीर के दौरे से पहले सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। कई इलाकों में चलाया जा रहा चेकिंग अभियान। आईजी विधि कुमार बिरदी के मुताबिक सुरक्षा मानकों के हिसाब से हाई अलर्ट पर पूरी व्यवस्था। अमरनाथ यात्रा की भी है पूरी तैयारी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज उद्योग जगत के साथ करेंगी प्री बजट बैठक। इंडस्ट्री की समस्याओं और मांग पर करेंगी चर्चा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को अर्थशास्त्रियों के साथ की प्री बजट बैठक। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और वित्त सचिव सहित कई अधिकारी रहे मौजूद। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला। 14 खरीफ फसलों पर एमएसपी बढ़ाने और देश में 2 लाख नए गोदाम बनाने की दी गई मंजूरी। अश्विनी वैष्णव ने बताया, धान की एमएसपी 117 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 2,300 रुपए की गई, जबकि तुअर दाल की एमएसपी 550 रुपए की बढ़ोतरी की गई। कैबिनेट ने कपास की नई एमएसपी पर 7,121 रुपए तय की। कपास की दूसरी किस्म के लिए नई एमएसपी 7,521 रुपए होगी। कैबिनेट की नई एमएसपी से सरकार पर 2 लाख करोड़ का बढ़ा बोझ। पिछले सीजन की तुलना में 35,000 करोड़ रुपए ज्यादा बोझ पड़ा। कैबिनेट की नई एमएसपी की मंजूरी के बाद यूपी के सीएम योगी ने किसानों को दी बधाई। किसानों के हित के लिए किए गए फैसले के लिए पीएम मोदी का जताया आभार। विदेश मंत्री एस जयशंकर का आज श्रीलंका दौरा। ऊर्जा और कनेक्टिविटी जैसे मुद्दों पर करेंगे चर्चा। तमिलनाडु के सीएम ने विदेश मंत्री को लिखी चिट्ठी। श्रीलंका से भारतीय मछुआरों को छुड़ाने की मांग की। केंद्रीय उपभोक्ता मामले में मंत्री प्रहलाद जोशी ने एफसीआई मुख्यालय में की बैठक। कहा, खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। गृहमंत्री अमित शाह से मिले केंद्रीय मंत्री एच डी कुमार स्वामी। कर्नाटक के राजनीतिक घटनाक्रम समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। 27 जून से शुरू होगा महाराष्ट्र विधानसभा का मॉनसून सत्र। उससे पहले शिंदे सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार सभा। शरद पवार ने सत्ता में फिर आने का जताया भरोसा। कहा, किसानों के मुद्दों को हल करेंगे। शिवसेना यूबीटी नेता विनायक राउत ने चुनाव आयोग को भेजा लीगल नोटिस। नारायण राणे पर गैर कानूनी ढंग से चुनाव जीतने का लगाया आरोप। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने पार्टी के स्थापना दिवस पर शिवसेना उद्धव गुट पर साधा निशाना। कहा, उन्होंने केवल कांग्रेस के वोट बैंक से जीत मिली है।
एकनाथ शिंदे बोले हुए लोग बाला साहेब ठाकरे के विचारों का पालन नहीं कर रहे, हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर हम आगे बढ़ रहे, शिवसेना का कार्यकर्ता नहीं और नहीं गया, वह हमारे पास ही है। रियासी आतंकी हमले में जम्मू कश्मीर पुलिस को कामयाबी, आतंकियों की मदद करने वाला शख्स हाकिम राजौरी से पकड़ा गया। हाकिम पर आतंकवादियों को घर में पनाह देने का आरोप, आतंकवादियों से मदद के बदले लिए थे 6,000 रुपए। जम्मू कश्मीर के हादीपुरा में सुरक्षा बलों को कामयाबी, एनकाउंटर में 2 आतंकवादियों को किया ढेर। बिहार की गया पुलिस को बड़ी कामयाबी, कुख्यात नक्सली संजय यादव और सुखेंद्र यादव समेत 4 नक्सली गिरफ्तार। दिल्ली के वजीराबाद बराज के पास यमुना का जलस्तर 6.2 फीट घटा, मुनक नहर में भी पिछले साल के मुकाबले कम पानी। दिल्ली सरकार का आरोप, हरियाणा की तरफ से कम पानी आ रहा जिसकी वजह से वजीराबाद ट्रीटमेंट प्लांट में 40 से 50 MGD कम पानी का प्रोडक्शन हो रहा। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने पीएम मोदी को लिखा खत, कहा 2 दिन में दिल्ली में पानी की समस्या दूर करें वरना 21 जून से करूंगी अनिश्चितकालीन अनशन। मंत्री आतिशी पर भड़के दिल्ली बीजेपी चीफ सचदेवा, कहा लोगों को पानी दे नहीं रही हैं और मंत्री बने बैठे हैं। वीरेंद्र सचदेवा का आतिशी से सवाल, दिल्ली जल बोर्ड में 73,000 करोड़ के घाटे से में कैसे आया, कौन दलाली खाया। दिल्ली में जल संकट पर सियासी घमासान, केजरीवाल सरकार के खिलाफ बीजेपी का मटका फोड़ प्रोटेस्ट। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का आदेश, 3 अधिकारियों को करे सस्पेंड, 3 को देनी थी शेल्टर होम्स में वाटर कूलर, वाटर डिस्पेंसर पर रिपोर्ट। देशभर में भीषण गर्मी पर केंद्र सरकार अलर्ट, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने जारी की एडवाइजरी का, हीटवेव के शिकार लोगों को दे इलाज में प्राथमिकता। दिल्ली में हीटवेव और भीषण गर्मी का कहर, सफदरजंग अस्पताल में हीट स्ट्रोक से 1 दिन में 5 मौत। हीटवेव पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने की बैठक, प्रमुख अस्पतालों से मरीजों के लिए बेड बढ़ाने को कहा। भीषण गर्मी से दिल्ली में बढ़ी बिजली की डिमांड, अब तक के सारे रिकॉर्ड टूटे, डिमांड 8,656 मेगावाट पहुंची। गाजियाबाद में हीटवेव का प्रकोप, 2 दिन में 15 लोगों के मारे जाने की आशंका, 3 डॉक्टरों की कमेटी कर रही है जांच। नोएडा में भी 14 शव मिले हीट स्ट्रोक से, मौत की आशंका, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर सही वजह का पता चलेगा। पुलिस ने सभी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, पुलिस शवों की पहचान में जुटी। सेक्टर 58 थाना क्षेत्र 39 और फेज 1 में मिले हैं शव, पुलिस के मुताबिक किसी भी डेड बॉडी पर चोट के निशान नहीं। लखनऊ नगर निगम में बनाया कूलिंग पॉइंट, हीटवेव से राहत देने की कोशिश। जयपुर में हीटवेव और भीषण गर्मी से परेशान लोग, अस्पतालों में बढ़ी मरीजों की संख्या। उदयपुर में गर्मी से हाल बेहाल, एंटी स्मोक गन से राहत देने की कोशिश में जुटा नगर निगम। पटना में पहली से 8वीं तक के स्कूलों की छुट्टी, 22 जून तक बढ़ी गर्मी की वजह से डीएम ने जारी किया आदेश। असम के 15 जिले बाढ़ बारिश से प्रभावित, अब तक 26 लोगों की मौत। 3 नदियों के खतरे के निशान के ऊपर बहने से आई नदी बाढ़, लोगों को सुरक्षित जगह भेजा जा रहा। बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए बनाया गया राहत कैंप, लोगों तक पहुंचाया जा रहा है खाने का सामान। असम के ग्वालपाड़ा इलाके में बाढ़ बनी लोगों के लिए परेशानी, बाढ़ के तेज बहाव में बह गया स्थायी पुल। पामरबेला इलाके में बना था बांस का स्थायी पुल, पानी के तेज बहाव में भरभराकर बह गया पुल। पुल टूटने से कई गांवों का संपर्क कटा। हरिद्वार में कई इलाकों में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश, लगातार बढ़ रही गर्मी से लोगों को मिली राहत। तमिलनाडु के तंजावुर में मूसलाधार बारिश, तेज हवा के साथ बारिश से लोगों को गर्मी में मिली राहत। उधमपुर के बाली तिरछी जंगल में लगी भीषण आग, जंगल में धीरे धीरे फैल रही आग, बड़े पैमाने पर पेड़ों को पहुंचा नुकसान। जंगल के पास बने कई मकानों तक पहुंची आग, फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भी जंगल में लगी आग, स्थानीय लोग, वन विभाग और फायर ब्रिगेड की टीम भी आग बुझाने में जुटी। पुंछ में भी जंगल की आग से पेड़ों को पहुंच रहा नुकसान, कई दिनों से लगी आग पर अब तक काबू नहीं, लगातार आग से पर्यावरण को पहुंच रहा नुकसान। तमिलनाडु के कल्लाकुरिची में जहरीली शराब से 25 लोगों की मौत, 40 से ज्यादा लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने 200 लीटर जहरीली शराब जब्त की, सीएम स्टालिन ने मामले की सीबीसीआईडी जांच के दिए आदेश, जिले के एसपी को सस्पेंड और डीएम का तबादला किया। अजमेर के किशनगंज सब्जी मंडी में हिंसा, एक दुकान के बाहर मास्क फेंकने पर तनाव, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। गुस्साई भीड़ ने पुलिस पर किया पथराव, हिंदुवादी संगठनों की मांग, मास्क फेंकने वाले जल्द पकड़े जाएं। अलीगढ़ में युवक की मौत के बाद तनाव, पुलिस ने 6 लोगों को किया गिरफ्तार, 10 लोगों के खिलाफ नामजद, 10-12 अज्ञात के खिलाफ FIR। मंगलवार को चोरी में आरोप में पकड़े गए औरंगजेब की पिटाई का वीडियो आया सामने, अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में हुई थी मौत। औरंगजेब की मौत के बाद सपा और BSP के लोकल नेताओं ने दिया धरना, बुधवार को इलाके की दुकानें बंद करवाने की कोशिश की गई, दुकानदारों ने किया बंद का विरोध। बीजेपी के स्थानीय विधायक मुख्तार राजा ने मौके पर पहुंचकर लोगों की गिरफ्तारी का विरोध किया।
मुख्तार राजे का आरोप सपा और बीएसपी के दबाव में बेगुनाह लोगों को किया गया गिरफ्तार। जब तक गिरफ्तार लोगों को रिहा नहीं किया जाएगा धरना जारी रहेगा। एमपी के सागर में एक कार बाइक की टक्कर, हादसे में चार लोगों की दर्दनाक मौत। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा और राज्यसभा स्पीकर को लिखा खत, संसद से स्टैचू को शिफ्ट करने का मुद्दा उठाया। आयुष सचिव वैद राजेश कोटेचा को मिला तीसरा एक्सटेंशन, 28 जून 2025 तक होगा कार्यकाल। केदारनाथ मंदिर के प्रांगण में लगाया गया 20 फीट का बड़ा LCD टीवी, भगवान शिव की कथाओं का होगा प्रसारण। यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस और उत्तर कोरिया के बीच रणनीतिक साझेदारी, राष्ट्रपति पुतिन और किम जोंग उन के बीच बड़े समझौते पर किया दस्तखत। उत्तर कोरिया के दौरे पर पहुंचे राष्ट्रपति पुतिन ने की किम जोंग उन के साथ शिखर स्तर की बैठक, किसी भी देश पर हमला होने पर दोनों देश एक दूसरे की मदद पर हुए सहमत। करीब 2 घंटे चली शिखर बैठक के बाद पुतिन ने कहा रूस और उत्तर कोरिया एक साथ अमेरिका की दादागिरी के खिलाफ लड़ रहे हैं। मध्य अफ्रीकी देश चाड में सेना के हथियार डिपो में भीषण धमाका, 9 लोगों की मौत जबकि 46 लोग हुए घायल। राजधानी एंजमीना के हथियार डिपो में धमाके की वजह से भी साफ नहीं, रेस्क्यू टीम आग पर काबू पाने और राहत बचाव काम में जुटी। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों पर किया हमला, हिजबुल्ला के मुताबिक उसके 3 लड़ाकों की हुई मौत। ग्रीस में एथेंस के पास जंगलों में लगी आग, 10 विमान और हेलीकॉप्टर की मदद से आग को पाने की कोशिश। ICC T20 वर्ल्ड कप में सुपर 8 मुकाबले में आज भारत और अफगानिस्तान के बीच होगी भिड़ंत। बारबाडोस में दोनों टीमें होंगी आमने सामने, रात 8 बजे शुरू होगा मैच। अफगानिस्तान के खिलाफ मुकाबले में चहल और या कुलदीप को मिल सकता है मौका, भारत के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ ने दिए संकेत। सुपर 8 के मुकाबले से पहले बोले सूर्य कुमार यादव, नंबर 1 खिलाड़ी के तौर पर अलग अलग परिस्थितियों में खेलना आना चाहिए। ग्रॉस आई स्लेट में इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच जारी है सुपर 8 मुकाबला, इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग चुनी। साउथ अफ्रीका ने T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मुकाबले में अमेरिका को 18 रन से हराया, 195 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी अमेरिका, 176 रन ही बना पाए। T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद केन विलियमसन ने छोड़ी T20 वनडे की कप्तानी, बोर्ड का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी ठुकराया। भारतीय गोल्फर गगनजीत भुल्लर ने पैरिस ओलंपिक के लिए किया क्वालिफाई, अपना पहला ओलंपिक खेलेंगे गगनजीत। बोपन्ना इब्रेन की जोड़ी सेंट्रल चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंची, ऑस्ट्रिया की अलेक्जेंडर और लुकास की जोड़ी को हराया। भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाजी टीम फाइनल में पहुंची, सेमीफाइनल में मेजबान तुर्की को एक तरफा हराया, नजरें विश्व कप खिताब की हैट्रिक पर।